हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल मैक विजी टेक इजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोगों के कहने से लाया हूँ संधिका पार्ट थ्री। दोस्तों, परीक्षा में एक ऑप्शन होता है कि कोई शब्द दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इस शब्द में कौन सी संधि है, संधि का नाम बताइए। तो दोस्तों, किसी भी शब्द में कौन सी संधि है यह पहचानने के लिए आपको कुछ ट्रिक बताऊंगा, आप इसे झट से पहचान लेंगे कि कौन सी संधि है। दोस्तों, यदि आपको संधि का पार्ट वन तथा पार्ट टू वीडियो देखना है तो उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। दोस्तों, वीडियो छोटा है लेकिन बहुत ही काम का है, आप इसे पूरा देखना। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा और भी वीडियो की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए सीखते हैं संधि की पहचानने की ट्रिक। दोस्तों, संधि तीन प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, जिसमें से स्वर संधि के भी पांच प्रकार होते हैं, जिसको याद करने की आसान सी ट्रिक है अयाद भृगु। इसमें आ से अयाद संधि, या से यड़ संधि, दी से दिग संधि, बा से वृद्धि संधि, गु से गुड़ संधि। इन संधियों की पहचानने की ट्रिक क्या है, लॉजिक क्या है, जरा देखते हैं। तो सबसे पहले अयाद संधि। अयाद संधि में ए ए ओ औ की मात्रा नहीं होती है और अधिकतर तीन अक्षर के शब्द होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शयन, भवन, पावक, तीन अक्षर के ही शब्द हैं और इसमें ए ए ओ की मात्रा भी नहीं है। तो इस तरीके से कोई अगर आते हैं तो आप उनमें अयाद संधि समझ सकते हैं। नंबर दो पे यड़ संधि। यड़ संधि में क्या है, या व रा के पहले आधा अक्षर होता है। जैसे एग्जाम्पल, अन्वय, प्रत्यक्ष, स्वागत, इसमें वा के पहले आधा अक्षर है, या के पहले आधा अक्षर है ता, और वा के पहले भी आधा अक्षर है, तो या व रा के पहले आधा अक्षर होता है। इसके बाद में है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या होता है कि बड़ी मात्रा होती है। बड़ी मात्रा का मतलब जैसे बड़ा आ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ये मात्राएँ होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिमालय। और दोस्तों ध्यान रहे, बड़ी मात्राएं लगभग शब्द के बीच में होती हैं। जैसे हिमालय, यहाँ पे माँ में बड़ा बड़ी मात्रा है। भानुदय, इसमें नू यानी कि ऊ बड़ी मात्रा है। ऐसे ही महात्मा, मुनीस यानी कि नाम में बड़ी ई की मात्रा है। तो इसमें सभी में लगभग मध्य में बड़ी मात्राएं होती हैं। उसके बाद में है नंबर फोर, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है, दो मात्राएँ, ये वाली दो मात्राएँ होती हैं, ऊपर वाली ए और औगी, जैसे तथैव, सदैव, जलोग, इटीसी। इसके बाद में है गुड़ संधि। गुड़ संधि में क्या होता है, एक मात्रा ए ओ की होती है, यानी कि ऊपर एक ही मात्रा होती है। फॉर एग्जांपल, सुरेश, नरेंद्र, महेंद्र, चंद्रोदय, इटीसी। इसके बाद में विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या होता है कि जो विसर्ग होता है, विसर्ग, उसमें जो विसर्ग होता है वो बराबर किस में बदल जाता है, आधा सा और आधा, ये सलजम वाला सा में इसमें बदल जाते हैं। और कभी कभी ओ और ये ऊपर रागी रेप भी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, निश्चय, दुस्तर, नमस्कार, और यशः प्लस दा यानी कि बराबर यशोदा, तो कभी कभार ये ओ की मात्रा भी मिलती है देखने को। तो इसमें आधा शाह और ये आधा शाह और ये आधा शाह इसमें दिया हुआ है, ये भी विसर्ग संधि है। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो।